ओके, सो टुडेज टॉपिक इज रे ट्यूब सीआरटी इट्स अ मेन कंपोनेंट ऑफ सी ओके सी इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सी सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट सी देन वी डिस्कस सी सो, ओके, लेट वी स्टार्ट विथ द कैथोड रे ट्यूब ओके तो पहले हम जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था जो हमारा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सी स्यार्ट जो सी पर है कैसे हम वेव फॉर्म जो सी आर टी पर जैसे वेव फॉर्म बनती है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं है ना कुछ टर्म्स वेव फॉर्म के बारे में ऑलमोस्ट हम सारे टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर बने हुए, हुए होंगे ठीक है ना तो चलो एक बार और देख लेते हैं लाइक देखिए अगर सी आर टी पे कैसे एक हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी ठीक है ये हमारी स्क्रीन जैसे देखिए स्क्रीन में बना हुआ है एक हमारी ये हमारी वर्टिकल्स लाइन और हॉरिजेंटल्स लाइन बनी हुई फिर ब्लॉक्स बनते हैं और फिर इन्हीं ब्लॉक्स से मिलकर क्या बनता है ऐसे कुछ बनेगा थोड़ा गड़बड़ बन गया ओके okay? तो। इसको कैंसिल आउट करते हैं दूसरा बनाते हैं यह हमारी स्क्रीन लेट सपोज स्क्रीन रही ठीक है ना ओके अब हमें क्या करना है बनाना है अपनी वेव फॉर्म तो हमने वेव फॉर्म बनाई अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं वन टू वन टू फिर वन टू एंड देन ऐसे कुछ हमारी वेब फॉर्म बनेगी ठीक है ना? ये हमारी वेब फॉर्म जनरेट हुई है अब देखिए ये हमारा कोई साइन वेव बना हुआ है तो हमने हमने कहा था किसके रिस्पेक्ट में होता है ये ये बना है हमारा साइन वेव ये टाइम और ये वोल्टेज के रिस्पेक्ट में होता है लास्ट क्लास में हमने देखा था इसे और एक जो मेन इम्पोर्टेंट बात ये थी कि देखिए हमारा ये जो आउटपुट है वो देखिए कहा हॉरिजेंटल में भी बढ़ रहा है और वर्टिकली भी, भी बढ़ रहा है देखो है ना देखो ये हमारा आगे एक्स एक्सेस में भी ग्राफ बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में ही बढ़ रहा है दोनों एक्सिस में बढ़ रहा है ना तो बस इस बात को देखिएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों एक्सिस में हमारा ग्राफ क्या है बढ़ रहा है ठीक है ना जो हमने स्क्रीन में देखा था है ना ओके तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं अपने सी से देखिए सीआरटी को मेनली हमने किस में चार सेक्शन में डिवाइड किया है ट्राईओट सेक्शन फोकसिंग सेक्शन डिफ्लेक्शन सेक्शन और पोस्ट डिफ्लेक्शन एक्सेलेशन तो हम पढ़ते हैं अब कहां से ट्रायोड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं ये सब किसके अंदर होता है एक पहले एक ग्लास ट्यूब के अंदर ग्लास इनक्लेव है ना जो हमारा ये सब कुछ सारे कंपोनेंट्स किसके अंदर है एक ग्लास के ट्यूब है उसके अंदर होता है तो देखिए सबसे पहले क्या है जो ट्रायोड सेक्शन है ट्रायोड सेक्शन के अंदर कौन-कौन से आए फिलामेंट कैथोड एंड ग्रिड जो तीन हमारे कंपोनेंट है वो किसके अंदर आ गए हैं ट्रायोड सेक्शन के अंदर देखिए तो फिलामेंट क्या होता है फिलामेंट हीटिंग एलिमेंट है ये हीट करता है क्या? फिलामेंट हीट करेगा और जब फिला, फिलामेंट हीट करेगा, तो इसकी किसको हीट करेगा कैथोड को ठीक है ना फिलामेंट के हीट होने से कैथोड हीट, हो, हीट होगा और कैथोड के हीट होने से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन इमेट्स होंगे एक्चुअली जो कैथोड है वो निकल का बना हुआ होता है लेकिन इस लेकिन हमें इससे क्या करना है इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स कराने हैं एक अच्छे लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हमें एक ह्यूज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स इमिट हैं तो हम क्या करते हैं कैथोड है, है उसमें हम स्ट्रॉन्सियम या बेरियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो डिपॉजिट कर देते हैं है ना किसकीम या बेरियम ऑक्साइड की हम जो इसमें लेप कर देते हैं न? इस किसके ऊपर जो निकल का बना होगा ग्रिड उसके ऊपर हम बे, बेरियम ऑक्साइड या इस्ट की लेयर कर देते हैं जिससे अ, हमारे एक अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन इमिट्स देखिए इलेक्ट्रॉन हमारे इमिट हो गए क्योंकि अब क्योंकि लेप तो हमेशा हर बार खोल के लेप तो ज्यादा कम नहीं कर सकते हैं इसलिए हमने एक अच्छी मात्रा में लेप लगा दिया और जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स अच्छी मात्रा में मिले लेकिन फिर अगर हम, हमें हमें उन्हें कंट्रोल करना पड़ा तब कंट्रोल भी तो करना होता है अगर हमें कंट्रोल करना है तो किससे कंट्रोल करेंगे ग्रिड से है ना ग्रिड के थ्रू ग्रिड एक लगा देते हैं एक सर्कुलर टाइप का होता है पूरा सर्कुलर होता है सिलेंड्रिकल सॉरी है ना सिले, सिलेंड्रिकल होता है उसके बीच में क्या होता है एक होलसा होता है और उसी से ही पास कराते हैं ठीक है ना इस बीम को जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम आती है वो उसी से आगे पास कराते हैं ये उसे कंट्रोल करता है किसको इलेक्ट्रॉन्स की बीम को कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने कितने नहीं ठीक है ना ये कंट्रोल करता है कौन हमारा ग्रिड अच्छा अब देखिए कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्चुअल में क्या होता है हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा यहाँ पर वेव बनती है है ना तो जो उसमें प्लॉटर होता है जो प्लॉट करता है ठीक है ना ग्राफ वो क्या होता है एक, एक ल्यूमिनस स्पॉट होता है ना ल्यूमिनस स्पॉट मतलब चमकीला बिंदु होता है अब देखिए इसका मतलब ये एक ल्यूमिनस स्पॉट से क्या बनते हैं हमारे हमारी वेव फॉर्म बनती है यहाँ पे ठीक है ना एक ल्यूमिनस स्पॉट से वेव फॉर्म बनती है अब ल्यूमिनस स्पॉट बनता कैसे है ल्यूमिनस हमारी जो चमक है ल्यूमिनस चमक ब्राइटनेस वो डिपेंड करती है कि, कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हिट कर रहे हैं किसको हमारी स्क्रीन को फॉस्फर स्क्रीन को फॉस्फर का लेप होता है स्क्रीन पे तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है पर सेकेंड कितने ज्यादा हिट कर रहे हैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हिट करेंगे जो हमारा ल्यूमिनस होगा उतना ज्यादा होगा इसका मतलब कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी है है ना इट्स अ इट्स प्ले अम्पॉर्टेंट रोल इन अवर ब्राइटनेस ओके सो तो यहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रोल करते हैं कि कितने आगे जाएंगे कितने नहीं जाएंगे किसके थ्रू ग्रिड के थ्रू कैथोड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और ग्रिड उसे कंट्रोल करने के लिए तो ये हमारा कौन सेक्शन हो गया ट्राई आउट सेक्शन हो गया अब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं फोकसिंग सेक्शन तो देखिए एक्चुअली फोकसिंग सेक्शन क्या है फोकस करना इलेक्ट्रॉन को फोकस करना है ना मेन पार्ट इसका आपको फोकसिंग से इतना समझ में आएगी फोकस करना है बिल्कुल बीम हमारी जो इलेक्ट्रॉन बीम है बिल्कुल कंसंट्रेट होके जाए फैले ना ठीक है ना तो लेकिन सबसे उदय उसके लिए क्या कहते हैं पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या है जो हमारा एनोड ए है ए और ए को हम देते हैं पॉजिटिव ठीक है ना ए वन और ए थ्री को क्या करते हैं हम पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और ए टू जो है उसको क्या देते हैं माइनस टू थाउजेंड माइनस टू के वोल्ट है ना माइनस टू थाउजेंड वोल्ट देते हैं किसको ए टू को ए तो वन और ए थ्री को हमने क्या दिया पॉजिटिव वोल्ट और ए टू क्या दिया निगेटिव वोल्ट देखो ये क्यों दिया जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आया तो काफी स्लो स्पीड थी तो हमने वन के थ्रू क्या करना है उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है उसको जब यहां पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव है उसको अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने के साथ साथ उनमें फैलाव भी तो था है ना कंसंट्रेट नहीं थे ओके अब हमें इनका कंसंट्रेशन करना है उसके लिए क्या करेंगे हमने ए टू में क्या दिया नेगेटिव ये रिपेल करेंगे जो भी इलेक्ट्रॉन फैल रहा होगा उसको रिपेल करके बिल्कुल कंसनट्रेट कर देंगे है ना तो ए ने क्या किया निगेटिव वोल्ट से उसको क्या किया कंसनट्रेट किया एक बीम की पूरे इलेक्ट्रॉन को कंसनट्रेट कर दिया एक बीम की तरह और जब यहां पर इसकी वजह से क्या हो गया इलेक, इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो गए क्योंकि यहां से रिपेलिंग फोर्स लगा तो इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो गया तो ए ने क्या किया फिर पॉजिटिव वोल्ट देके उनको इन, उनकी स्पीड इंक्रीज करी थी तो फाइनली क्या हो गया इस फोकसिंग सेक्शन में एक तो स्पीड बढ़ाई गई इलेक्ट्रॉन्स की दूसरा क्या किया फोकस किया गया तभी देखो हमारे ए को क्या कहा था प्री एक्सिलेटिंग एनोड ठीक है ना और ए क्या है एक्सिलेटिंग एनोड ठीक दोनों की दोनों ने एक्सिलेशन दिया है ए टू क्या क्या फोकसिंग एनोड बिकॉज इसने एनॉट वोल्टेज से क्या किया है फोकस्ड किया है हमारी इलेक्ट्रॉन बीम को ठीक अब देखिए फोकसिंग सेक्शन तो हो गया आपका यहां तक सेक्शन हो गया हमारा हमने इसको फोकस किया थोड़ी स्पीड भी दे दी किसको इलेक्ट्रॉन्स बीम को अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो क्या है डिफ्लेक्शन सेक्शन देखिए डिफ्लेक्शन सेक्शन में मेनली क्या होता है जैसे मैंने आपको ये बताया था देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है और वाई एक्सिस में बढ़ रहा है ठीक है ना अगर इलेक्ट्रॉन बीम देखिए इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल सीधे जाएगी ठीक ग्राफ जा रहा है ग्राफ अब देखिए जब ये हिट करेगा जब हिट करेगा जब ग्राफ हिट करेगा तो देखिए लाइंस में एक हमारी वर्टिकल लाइन से शो करेगा ग्राफ ग्राफ क्योंकि इसमें क्या है देखिए जब हम ये आ, जैसे देखिए मान लीजिए ये स्क्रीन है ठीक हमारा ग्राफ जा रहा है ये ऐसे हिट किया इस पर ठीक वेव फॉर्म मतलब वेव गया और ऐसे हिट किया देखिए कि इससे क्या होगा अगर अगर इस वेव में हमारा सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन है तो सिर्फ लाइन देखो ये बस ये तो शो करेगा है ना किसकी वजह से वर्टिकल क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट है लेकिन क्या है हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं है ये वाला हॉरिजेंटल मूवमेंट नहीं है तो हमारा ग्राफ क्या एक्स और वाई में नहीं बनेगा तो हमें अगर ग्राफ बनाना है तो हमें एक तो हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन है ना वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी देना पड़ेगा और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन भी देना पड़ेगा देखो है ना हमें एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी देना पड़ेगा और एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन भी बनेगा तो ये तो स्क्रीन ऐसी है ना स्क्रीन तो ऐसी होगी यू है स्क्रीन ठीक ऐसी स्क्रीन होगी ये तो हमारी ऐसी है लेकिन स्किन का ऐसी होगी और ये बीम यहां पे आएगी सिर्फ यहां पे नहीं हमारा मूवमेंट ऐसे पूरा होना चाहिए सिर्फ यू नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे भी होना चाहिए ठीक है ना तो इसके लिए हमें क्या एक एक हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी चाहिए और एक हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन भी चाहिए ठीक है तो जैसे एक अभी हमने इस पहले आनोड पढ़े थे गए है ना ये देखो ए वन और ए थ्री ए वन ए टू और ए थ्री देखिये इसमें क्या हुआ यहां से इलेक्ट्रॉन्स बीम आई ये इलेक्ट्रॉन्स बीम आ रही थी ना फैलती हुई फैलती हुई स्पीड बढ़ाई लेकिन ए न लेकिन ए ओ, ए टू ने क्या कर दिया इसको कंसंट्रेट कर दिया जैसे ये आई और ए टू ने फिर क्या कर दिया कंसंट्रेट कर दिया इसको रिपलिंग से रिपलिंग करने के बाद फिर से क्या हुआ ए वन ए टू और ए थ्री ए थ्री ने क्या कर दी इसकी स्पीड फिर मेंटेन कर दी तो देखो कंसंट्रेशन के साथ साथ क्या हो गया फोकसिंग और स्पीड दोनों मिल गई फोकस्ड हो गए इलेक्ट्रॉन

ठीक मतलब इसके बाद देखो आइसोलेशन सील क्या कहते हैं इसके बाद भी जो डिस्टर्बेंस होंगे मतलब इसके बाद भी बच्चे कुछ जो हमारे डिस्टर्बेंस होंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक इधर उधर एक दो होंगे उसको क्या करेगा आइसोलेशन सील बिल्कुल क्लीन कर देगा मतलब ग्राफ को बिल्कुल क्लीन ऐसा ना हो कि कुछ डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन्स यहां वहां भी टहल रहे हो जो जो हमारे वे को खराब करें तो हमारे इसको क्या करेगा आसपास को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा ठीक तो आइसोलेशन सील्ड हो गया डिस्टर्बेंस हटाने के लिए देखिए यहां पे हमें एक डिफ्लेक्शन तो मिल गया अब ये देखिए वाई क्या है वर्टिकली डिफ्लेक्ट करने के लिए ग्राफ को हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन मिल गया वर्टिकल डिफ्लेक्शन ग्राफ को मिल गया इसीलिए हम सिग्नल किसको देते हैं एक हम हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन को भी देते हैं ओके सिग्नल्स सिग्नल हम जो इनपुट होगा वो हम किसको को हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन को भी देते हैं और एक किसको देते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन को भी देते हैं अपना क्या इनपुट तो इससे क्या होता है वो ग्राफ हॉर्जेंटली भी डिफ्लेक्टिंग होता है और वर्टिकली भी डिफ्लेक्टिंग होता है ठीक है ना तो ओके okay, सो so, देखिए आइसोलेशन शील्ड हो गया है ना हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन दे दिया और वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी हमने दे दिया इसके बाद जब ग्राफ यहां पे हॉर्जेंटली और वर्टिकली डिफ्लेक्टेड हो गया तो फिर देखिए ये क्या है ये हमारे जो हेलिक्स है रजिस्टिव हेलिक्स है उसका क्या काम है रजिस्टिव हेलिक्स क्या कर रहा है देखिए रजिस्टिव हेलिक्स को हमने देखिए फिर से पॉजिटिव टर्मिनल दिया अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल दिया है तो क्या कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा मतलब उसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा तो ये रजिस्ट्रिव हेलिक्स क्या होता है इन हेलिक्स में पॉजिटिव पोटेंशियल दिया तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत तेज करते रहते हैं हर 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 एक हेलिक्स पे थोड़ा एक्सीट कर थोड़ा एक्सीट थोड़ा एक्सीट तो काफी ज्यादा स्पीड इस इसकी हो जाती है कि इसकी इलेक्ट्रॉन्स की लेकिन ये बताओ यहाँ पर फिर हमें क्यों स्पीड इंक्रीज करने की जरूरत पड़ी जब हमने यहाँ करी दी थी या फिर यहीं क्यों नहीं कर दी हमें यहाँ क्यों करी देखिए अगर यहाँ पर स्पीड बहुत ज्यादा होती तो हमारा डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता स्पीड से स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट उन्हें डिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाती तो ये यहां पर एक लिमिटेड एक्सीलेशन दे सकते हैं ठीक है ना लिमिटेड एक्सीलेशन देने के बाद यहां पर पोस्ट डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन के बाद एक्सीलेशन एक देना पड़ा हमें है ना इलेक्ट्रॉन्स को एक डिफ्लेक्शन देना पड़ा जिसकी वजह से वो क्या हुआ जो हमारी फॉस्फर स्क्रीन है यहां पर स्क्रीन के पीछे फॉस्फर का लेप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन टकराने से उसमें क्या लाइट्स इमिट होती हैं है ना जैसे इलेक्ट्रॉन्स टकराए इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर दिया लाइट्स एनर्जी में चेंज कर दिया और स्पॉट बना हमारा जो हमारा ठीक है ना वो, ओके तो जब स्पॉट बना तो फिर क्या हुआ फिर हमारा उसी स्पॉट से हमारा ग्राफ ड्रा हो गया ठीक जो हमारा ल्यूमनेस स्पॉट था उसी से ग्राफ ड्रा हो जाएगा तो इट्स ऑल अबाउट द सीआरटी ओके ये वर्किंग थी हमारी किसकी सीआरटी की चलिए इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा पढ़ लेते हैं ठीक है देखो हीटर के बारे में क्या लिखा है हीटर यानी फिलामेंट ये जो हमारा हीटर फिलामेंट है रेड कलर का ठीक फॉर हीटिंग द कैथोड ओके इसका काम सिर्फ इतना है कैथोड को हीट करना फिर क्या कहता है हमारा कैथोड जो कि इलेक्ट्रॉन इमिट करता है कैथोड कैथोड क्या है कैथोड इज अ सिलेंड्रिकल इन शेप एंड एट द एंड ऑफ द लेयर ऑफ इस्टियम एंड बेरियम ऑक्साइड इज डिपोजिटेड विच इमिट्स द हाई इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसमें क्या करेंगे हम आ, जो आ,

से पॉजिटिव पोटेंशियल दिया था सिलेंड्रिकल इनका सेफ से होता है और बीच से ही केस में इलेक्ट्रॉन्स बीम को हम पास कराते हैं फोकसिंग एनोड यानी ए के बारे में हैव हाई नेगेटिव पोटेंशियल एंड इज सिलेंड्रिकल इन सेफ ओके आइसोलेशन सील टू रिमूव ऑल डिस्टरबेंस इन द इलेक्ट्रॉन बीम ठीक है ना देन क्या है स्क्रीन है द इंटरवल द इंटरवल सर्फेस ऑफ फेस प्लेट इज कोटेड विथ फॉस्फर द इंटरनल सरफेस ऑफ फेस प्लेट इज कोटेड विथ फॉस्फर जो इंटरनल सरफेस होती है ना ये इंटरनल है, है सर्फेसर से इलेक्ट्रिकल इनर्जी इंटू लाइट इनर्जी है, है, है ना जब इलेक्ट्रॉन टकर वो क्या कौन होगी इलेक्ट्रिकल इनर्जी लेकिन जब टकराएंगे तो फिर उससे क्या होगा लाइट जनरेट होंगी ठीक है ना लाइट इनर्जी द इनर्जी लेवल ऑफ द फॉस्फोरस क्रिस्टल रेज वेन इलेक्ट्रॉन बीन स्ट्राइक ऑन इट कार्ड कैथोडो सेंस है ना जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उसी में जो हमारी फॉस्फर स्क्रीन है उससे तो फिर क्या हुआ जब लाइट लाइट जनरेट होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं कैथोडो सेंस फिर क्या देखो द लाइट विच इज इमिटेड थ्रो फॉस्फोरस एक्साइटेशन इज कॉल्ड फॉस्फोर फ्लोरोसेंस है ना फॉस्फोरस जो था उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस कहते हैं फ्लोरोसेंस मतलब कई प्रकार के रंग जनरेट करना ये हमारे डिपेंड करता है हम कौन सा जो फॉस्फोरस है वो लेप कर रहे हैं जिससे हमारे कई प्रकार के रंग जनरेट होते हैं ना कलरफुल जो हो जाता है कॉल्ड फ्लोरोसेंस वेन द इलेक्ट्रॉन बीम स्टॉप द फॉस्फोरस क्रिस्टल रिगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन एंड रिलीज लाइट एनर्जी विच इज कॉल्ड फॉस्फोरसेंस ना फॉस्फोरसेंस और परसिस्टेंस देखो ये क्या है परसिस्टेंस क्या है जब इलेक्ट्रो जैसे हम टीवी जैसे ऑन करते थे हमारे पास सीआरटी वाली टीवी होती थी पहले जब उस हमने ऑन किया तो ऑन हो गया इसके बाद जब ऑफ करते थे भी कुछ देर तक उसमें ब्राइटनेस हुआ करती थी मतलब फॉस्फोरस तो पहले एक्साइटेड था ठीक है ना फॉस्फोर फिर क्या हुआ जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बीम को स्विच ऑफ कर दिया लेकिन उसके बावजूद कुछ देर तक उसमें लाइट बनी रहेगी मतलब अपनी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको रीगेन करने के लिए कुछ टाइम तो लेगा वो उसी को क्या कहते हैं हम परसिस्टेंस कहते हैं ठीक है ना परसिस्टेंस ठीक तो बस यही था सब ओके ओके थैंक यू क्लास